तो ये जिस किसी को अपनी श्रद्धा भाव आप 100-500 हजार को दे सके निकाल लेगा आपका अपनी श्रद्धा भाव से बच्चों अब इसमें सभी की मनोकामना हमने अपने जादू मंत्र से बंद कर दी है और इस जादू मंत्र से अब देखिए कुछ करने वाले हैं। तो सचिन तैयार हो जाओ, आप सबसे पहले इस पत्थर को बिना छुए आपको उठाना है, बिना छुए। तो क्या करेंगे आप? सर इसको इसके ऊपर रखेंगे, डोलची रखेंगे। अब छोड़ दो इसी को अनुरुद्ध, अब डोलची उठाओ, देखो पत्थर उठ रहा है। अरे चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब सभी लोगों ने इतने श्रद्धा भाव से मनोकामनाएं अपनी मानी है तो अब हम शुरू करते हैं। तो दोनों लोग अपनी ये पूरी बाहें समेट लो जैसे आपको गोबर ना लगे, और आप क्या करेंगे जो करें वो बताएं, क्या करने वाले हैं आप? तो अब ये बच्चे इस पत्थर को बिना छुए, पत्थर को नहीं छुएंगे, हाँ इसको छुएंगे। देखो जो बच्चे इसके बारे में जानते हैं तो कृपया हम लोगों के जादू से खिलवाड़ ना करें, पेट का सवाल शुरू करें। तो दोनों लोग, हाँ हम क्या करेंगे, इस डोलची को इस पत्थर के ऊपर रखेंगे और ये जो गोबर है इसको लगो, हाँ दोनों लोग लगो, हाँ। तो ये क्या करने वाले हैं, नीचे बीच लगाना। तो आप ये क्या कर रहे हैं, चारों तरफ गोबर लगा रहे हैं, और गोबर लगा करके, हाँ वेरी गुड, हाँ अरे जो बोल रहे बोलने दो, इस समय सिर्फ तुम अपना खेल दिखाओ, तुम्हारा ध्यान खेल पे होना चाहिए, हाँ अच्छे से आपको ठोकना होगा। अब बाल्टी छोड़ दो, आप दोनों हाथ से करो, दोनों हाथ लगाओ गोबर में, हाँ। तो देखो इन्होंने क्या किया, बाल्टी रखी पत्थर पे और पत्थर और बाल्टी के बीच में इन्होंने चारों तरफ गोबर लगा दिया और अच्छे से उसको सही से थोप दिया, ठीक है। अब आपको सीधे नहीं उठाना है बल्कि इस लकड़ी का उपयोग करना है। अनुरोध, आपको दोनों लोगों को एक एक हाथ से पकड़ना है, ये हटाओ पहले तसला, इसको हटाओ। अब आपको देखिए, अब ये क्या करके पकड़ो, पहले तो दोनों लोग बहुत सावधानी से, अब ये क्या है उठाने वाले हैं, धीरे धीरे उठाने का प्रयास करिएगा, बहुत धीरे धीरे करिएगा, क्या कुछ हो पा रहा है? अभी नहीं, रखो नीचे, रखो नीचे, फिर दोबारा लगाओ गोबर लगाओ, बीच में आपने नहीं लगाया, हाँ एक तरफ नहीं होना चाहिए, सही तरीके से लगाओ, सही तरीके से गोबर लगाओ, हाँ अब लगाओ, अब उठाओ, कोई नहीं। तो बच्चों एक बार सभी लोग ध्यान से देखिएगा, सर थोड़ा उठ के करो, हाँ बराबर बराबर दूरी पकड़ो बीचों बीच, अब एक धीरे धीरे उठाना है, धीरे धीरे बस, धीरे धीरे उठाना, शाबाश। हाँ बिल्कुल, आप घुमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप घुमा सकते हो, चला सकते हो, आप जो है इसमें जो है
अब आप देख रहे होंगे, रख दो आप, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि इतने मात्र से ये उठ गया, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये जो है बहुत आसान है, लेकिन आसान नहीं है। जितने लोगों ने अपनी दुआएं और यहाँ पे मुद्राएं दोनों रखी हैं, उसकी वजह से आज ये काम हुआ है। तो एक बार सभी के लिए तालियां, मिले। कोई नहीं, अब देखिएगा ये गोबर लगाने से इससे उठ गया, तो आप सब सोच रहे होंगे कि ये बहुत बड़ा जादू हो गया। अब हम इस जादू के पीछे का पर्दा उठाते हैं। पर्दा उठाने के लिए मेरे पास सिरिंज है, एक हमें छोटा बच्चा चाहिए, कोई हो। बिटिया यहाँ आओ, यहाँ आओ। क्या नाम है? कल्पना। कल्पना आपको क्या करना है, बस केवल इसको पिस्टन को नीचे खींचना है। खींचो, खींच लिया, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। और देखो वहीं का वहीं रुका है, जहां छोड़ देंगे वहीं रुक जाएगा, ठीक है। अगर आप यहां कर लेंगे यहां बना रहेगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब हमने इसको बंद कर लिया, अब उठा, अब खींचो। अब क्या बात, कई अब बहु में नहीं हुई है। अब इसको अगर आप खींचेंगे तो ये खिंचेगा, तो लेकिन खिंचने पे आप देखिएगा, हम आपको दिखा भी रहे हैं, यहाँ पे ऊपर देखिएगा खिंचेगा, कुछ जगह हो रही है, हो रही कुछ, लेकिन अगर हम छोड़ेंगे तो तुरंत वहीं पहुंच जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो कि अभी इस समय नली में कहीं पे भी एयर नहीं है, कहां पे है, इतने से भाग में, इतने इस भाग में, जब हमने इसको बंद कर लिया तो इतने ही में तो एयर है। अब हम इसको जब खींच रहे हैं तो वही एयर अब क्या हो रही है, फैल रही है, प्रसार हो रहा है। इसका मतलब एयर का आयतन बढ़ गया, और जब आयतन बढ़ता है तो आपने बॉयल का नियम पढ़ा होगा, पीवी बराबर नियतांक, जिसमें ये पी और वी बराबर क्या है, नियतांक। इसका मतलब आयतन बढ़ेगा तो इस एरिया में दाब कम हो जाएगा, और जब दाब कम हो जाएगा और आसपास वायुमंडल का दाब तो उतना ही है, तो वो क्या करता है, सदैव इस पिस्टन पे लगता रहता है, और जैसे ही हम छोड़ते हैं उसी दबाव के चलते वो तुरंत वहीं का वहीं पहुंच जाता है। अब इसमें देखो क्या होता है कि यहां पर जब इन्होंने ये बाल्टी आपके सामने रखी, गोबर लगा दिया, तो बाल्टी और थोड़ा सा हम भी हाथ को कर लेते हैं, क्योंकि बिना उसके बनेगा नहीं। जब हमने यहां पे बाल्टी रखी, रखने के बाद जब यहां पे गोबर लगाया, तो बाल्टी और इसके बीच में कुछ एयर तो रही होगी जो पैक हो गई इसकी वजह से, क्योंकि चारों तरफ गोबर लगा दिया, तो क्या हुआ, एयर वहीं की वहीं पैक रही। अब इसको उठाने का प्रयास किया, जब तो जब इसको उठाया है तो कुछ ना कुछ तो ऊपर उठा होगा, और जब कुछ उठा होगा तो उस एरिया की वायु फैली, और वायु फैली मतलब आयतन बढ़ा, और आयतन बढ़ा तो उस एरिया में दाब कम हुआ, और जब दाब कम हुआ और आसपास का वायुमंडल का दाब तो उतना ही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इस पत्थर भी उठा चला है। ये तो इतना ही बड़ा है, अगर इससे बड़ा भी होता तो निश्चित हो जाता, लेकिन हमने जानबूझ के इतना ही लिया, तो जादू खेलना हो जाएगा। तो बच्चों एक बार जोरदार ताली, इसलिए क्योंकि इसके पीछे साइंस है न कि कोई जादू। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, तो सबसे पहले सभी शिक्षक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय प्रधानाचार्य जी का धन्यवाद, जो आप सबको एक ऐसा अवसर दिया है, और हम चाहेंगे कि सप्ताह में एक आध बार कुछ स्टेप से हम आपको जरूर शेयर करते रहे, ठीक है। अगले दिन के लिए हम पहले ही बता रहे, जब भी हम करेंगे तो हम मिठाई वाला जो डिब्बा आता है उसमें पूड़ी बनाएंगे और हम लोग यहीं खाएंगे।